घर और किचन तो हम सभी लोग संभालते, अगर वही टिप्स के थ्रू करें तो हमारे काम और आसान हो जाते। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक, कुछ हैक्स हैं जिससे हमारे सालों साल चलने वाली है। नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी टिप्स की तरफ। जो पहला टिप्स है दोस्तों, प्याज हम सभी लोग काटते हैं। और क्या होता है दोस्तों, जब हम प्याज को काटते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है। जब हम प्याज काटे उसके हमें 2 मिनट पहले या तो हमें पानी में डालना है, नहीं 10-20 सेकंड के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा प्याज है, जैसे कोई ऐसा प्याज काफ़ी तीखा होता है जो काटते काटते हमारे आँखों में पानी आ जाता है। और दोस्तों पानी में डालने से क्या होता है, जो इसका बक्कल है बहुत आसानी से इसका इंच भी जाता है और इसमें जो काटने की दिक्कत होती है, काटते काटते आंखों में पानी आता है तो दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों जब कभी आपको ढेर सारा प्याज काटना हो तो 2 मिनट पहले आप पानी में प्याज को डाल देंगे, जिससे हम आसानी से अपना प्याज कट कर पाएंगे। तो दोस्तों कितना भी प्याज काटना हो, अगर इसको हम इस तरीके से काटेंगे तो ढेर सारा प्याज हम मिनटों में काट पाएंगे और हमारे आंखों में बिल्कुल पानी नहीं आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत आसान है। इस छोटी छोटी टिप्स से हमारे काम काफी आसान हो जाते हैं और हमें काम करने में मजा भी आता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हैक्स है। अब देख लेते हैं, टमाटर तो हम सब लोग सलाद में खाते हैं, तो चलते हैं आज हम कुछ इस तरीके से कंघे से कट करेंगे। तो कंघा हमको नया लेना है। सलाद के लिए बहुत अच्छा सा एक छोटा सा टिप्स है, खास आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से हम ढेर सारा सलाद बहुत आसानी से कट कर पाएंगे। देख लेते हैं अगला टिप्स। तो दोस्तों बाटल इस तरीके से तो हर घर में होती है, तो बाटल का एक साइड से हमें पूरा कट कर देना है। तो गरम करना है छुरी को और इस तरीके से हमें कट कर लेनी है, तो बहुत आसानी से ये कट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो पानी है वो सारा हमें पोंछ लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। अब इसके बाहर बार हमें चाकू गर्म करनी है और इस तरीके से इसमें छेद कर देनी है, जैसे कि हमें कुछ छेद इसमें कर दिए हैं तो बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। अब जो घर में कुछ एक्स्ट्रा किचन में जो बर्तन होते हैं, बाउल होती है, कुछ ऐसे छोटे छोटे गिलास और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, किचन में रखे रखे ढेर सारा एक तो जगह कवर करता है और बहुत गंदे धूल मिट्टी लग जाती है। जो एक्स्ट्रा बर्तन हो इस तरीके से बाटल में हम रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम सालों साल रखे रहेंगे तो हमारा जो बर्तन है बिल्कुल गंदा नहीं होगा और जो हमारी किचन भरी भरी लगती है वो भी एकदम खाली खाली लगने लगे। जब हमें दोस्तों यूज करना है तब इसे हम ऐच लेंगे और इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जितने आपके घर एक्स्ट्रा बाउल है, गिलास है, वो सारे इसमें हम रख सकते हैं, बहुत आसानी से रख भी जाता है। तो बाउल और गिलास हमने रख दिए। अब क्या है, जो ढेरों घर में दोस्तों चम्मच होती और जिसका ढक्कन है बहुत आसानी से लग जाता, अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे। अब जो ढेरों चम्मच होती है दोस्तों हमें एक हैंगर में टांगना पड़ता है, तो क्यों ना हम इस तरीके से बॉटल में छेद कर लेंगे, इसमें हमारा ढेर सारा बर्तन आ जाएगा, बॉल भी आ जाएगी, गिलास भी आ जाएगी और इसमें चम्मच भी बहुत अच्छे से रख पाएंगे। जितनी आपके घर में चम्मच है ढेर सारी, उतनी इसमें हम छेद कर लेंगे और इस तरीके से आसानी से रख पाएंगे। तो दोस्तों एक जगह हम ढेर सारा, छोटी सी बाटल में हम ढेर सारा सामान बहुत अच्छे से रख पाएंगे। काश आपको अच्छा लगे तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब हमें लगा देना है ढक्कन। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसे हम कहीं भी किचन में रख सकते हैं, जिससे कि हम जब हमें चम्मच की ज़रूरत पड़े तो आसानी से इसे ऐच पाएँ, जब हमें गिलास कटोरी की ज़रूरत पड़े तो इसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं, चावल तो हम सभी लोग खाते हैं मगर कुछ चावल कभी कभी ऐसा होता है जिसमें स्वाद नहीं आता है,
जो महंगा वाला चावल होता है वो अच्छा लगता है। जब हम चावल बनाए तो हमें क्या करना, सिर्फ एक चम्मच हमें तेल डाल देना है, जो तेल आप खाते हो वही तेल डालना। इसके बाद हमें पानी डाल देना है, इसको हमें छोड़ देना है पकने के लिए। तो दोस्तों वो इसमें टेस्ट आएगा, जो हम महंगा वाला चावल खाते हैं वैसा इसमें टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों जब खाएंगे बनाएंगे तब पता चलेगा, इसका टेस्ट एकदम पुलाव जैसा लगता है। तो बढ़ते ही दोस्तों हम अगली टिप्स की तरफ। हमें लेना है एक ढक्कन, कोई सी ढक्कन लेना है, उसको हमें बीचों बीच दो जगह से कट करना है, बहुत आसानी से कट जाएगा। छुरी को हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है, इसके बाद दो जगह से इसे हमें कट कर देना है। तो इसको इस तरीके से हमने कट कर दिया है, आसानी से कट जाता है। अब हमें लेना है डबल वाला टैप, टैप को हमें इसे ढक्कन के नीचे साइड लगा देना। अब चलते हैं इसे हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इसे हमें, तो जहाँ हम चार्जर, जहाँ बोर्ड होता है, जहाँ हम चार्जर लगाते हैं वहीं हमें इसको लगा देना है। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से चार्जर की डोरी होती है वो लटकी रहती है, इससे बच्चों का खतरा हो सकता है, बच्चे मुंह में भी डाल सकते हैं और हाथ से पकड़ सकते हैं, बाई चांस बहुत भारी खतरा हो सकता है। अगर इस तरीके से हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो हम अपनी बहुत अच्छे से किचन और घर को संभाल पाएंगे। अगला टिप्स देख लेते हैं सिंदूर को लेकर। सिंदूर तो हम सभी बहने लगाते हैं, मगर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। जब सिंदूर हम लगाते हैं तो आधा सिंदूर हमारा नीचे गिर जाता है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लेना है सिंदूर, जब हम लगाएं तब हमें इसको करना है, या फिर हम पहले से इसको बना करके रख लेंगे तो और अच्छा। जो सूखा सिंदूर लगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा छोटा सा एक टिप्स है। क्या होता है, सिंदूर लगाते हैं मांग में मगर पूरा फेस एकदम कलरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी लेंगे वैसलीन या फिर नारियल तेल, जो आप तेल यूज करते हैं, एक बूंद डाल करके इस तरीके से सिंदूर को बना लीजिएगा, बहुत आसानी से गीला सिंदूर बन जाएगा और इससे हमारा कोई फेस एकदम कलरफुल नहीं होगा। हमारा जैसे पसीने आ जाता है तो पूरा चेहरा बेकार लगता है, पूरा चेहरे में लाल लाल हो जाता है। तो इस तरीके से जब सिंदूर लगाएं तो बहुत आसानी से हम गीला करके लगा पाएंगे और देखने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों छोटी सी टिप्स थी, काश आपको अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। इस तरीके से खाली पेन बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमें दोस्तों लेना है खाली पेन, अलग अलग तरीके का होता है, तो हमें किस तरीके से जो बीच ऊपर से खुलता हो, यहाँ से कुछ खुलने वाला हो वो लेना। इसके बाद लेना है हमें कोई बाटल, छोटी सी बाटल लेना है और लेना ढक्कन को हमें बीचों बीच छेद कर देना है इस तरीके से। तो बहुत आसानी से कैंची से इसका ढक्कन का जो छेद है बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें क्या करना है, बीच पॉइंट में रखना है और इसको घुमाते जाना है, जितना हमें छेद चाहिए उतना हम छेद को कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हम पेन का ऊपर का कवर था वो हमें लेना है, इस ढक्कन में लगा देना है। क्या होता है दोस्तों, कभी तेल बच्चों को लगाते या फिर कहीं हम सब्जी या कहीं डालते हैं तो ढेर सारा तेल आ जाता है। अगर हम इस तरीके से तेल को बाटल में कर लेंगे और पेन की हेल्प से जितना हमें चाहिए होगा उतना हम इसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक छोटा सा टिप्स है, काश अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब इससे मन मर्जी का हम तेल या जो चीज़ इसमें डालेंगे बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप्स की तरफ। क्या होता है, इस तरीके से जो कैया होती है ये कोई सा इसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से रख देते हैं, फिर क्या होता है ये बहुत देर में हम इसको संभाल पाते हैं और ढेर सारा सामान को हम बहुत अच्छे से कवर करके अगर इस तरीके से रखेंगे तो थोड़ी ही जगह में हम ढेर सारा सामान रख पाएंगे और जब हमें ज़रूरत होगी आसानी से हम ऐंच पाएं। तो लेना है हमें हेयर रबड़ और इसको इस तरीके से लगा देना है और बहुत आसानी से इसे हम कहीं रख देंगे जिससे कि हमें लेने में सुविधा होगी। तो दोस्तों छोटी छोटी टिप्स है, काश
बहुत काम आती है। छोटे छोटे टिप्सों से हमारे घर और किचन का काम काफी आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, कुछ पैसों की बचत होती है और काम करने में कुछ अच्छा और मजा भी आता है। मिलेंगे दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।